अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स नोबडी हियर फ्रॉम इचन स्टूडियो। तो आप लोगों को वेलकम है आस्क और डेयर की एक न्यू एपिसोड में। और पिछली बार की ही तरह इस बार भी मुझसे किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। मजाक कर रहा हूँ, एक ने सवाल पूछा, बाकी सारों ने डेयर दिए। तो बिना और टाइम जाए किए चलिए पहले डेयर की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला डेयर है एडी अहमद की तरफ से और ये कहते हैं, भाई ड्यू का आधा गिलास लो और उसमें एक चम्मच चीनी और एक चम्मच लाल मिर्च मिक्स करके पियो। मैं एक बार बाथरूम से होके आया। तो नेक्स्ट डेयर है गेम प्ले पॉइंट की तरफ से और ये कहते हैं, मेक अ 30-second रोस्ट ऑन एनी ऑफ योर फ्रेंड, द रोस्ट मस्ट बी ब्रूटल। तो बात यह है, मैं कोई रोस्टर तो नहीं हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो आप लोग मेरे रोस्ट को कमेंट सेक्शन में रेट कीजिएगा। मुझे हमेशा से लगता था कि इस दुनिया में दो तरह की मखलूकें पाई जाती हैं, एक ह्यूमंस और दूसरी एनिमल्स। बट जब मैं अपने इस दोस्त से मिला तब मुझे पता लगा कि इस दुनिया में एक और तरह की क्रिएचर्स एग्जिस्ट करती हैं जिसे कहते हैं ह्यून एनिमल्स। अब ये रेयर क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये महज एक इंसानी शरीर में खोते की आत्मा है। वो कैसे, ये आप इनकी हंसी से पता लगा सकते हैं। अब मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं जिनको मेरे घर वाले उनके नाम से जानते हैं, जैसे मुसीब और मुबशर। बट मेरे इस दोस्त को मेरे घर वाले यार के नाम से जानते हैं, यार डब्ल्यू वाला। अब वो क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि जब भी मिलता है तो इस तरह बात करता है, यार 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 ओ यार 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 यार। तो अगर आपने भी अपने इर्द गिर्द कोई ह्यून एनिमल स्पॉट करना हो तो मैं आप लोगों को उनकी एक निशानी बता देता हूँ कि ह्यून एनिमल्स की आदत होती है कि वो रोज किसी को भी जाकर ये बात लाजमी कहते हैं, यार फिर से दे। और मजे की बात, अगर यही बात ये एक से ज्यादा बंदों में जाके कर दे तो वो लोग भी इसे देखकर एक दूसरे को ये कह रहे होते हैं, मार। तो बात कर लेते हैं अपने दोस्त मुसीब की। तो बात यह है कि मैंने दुनिया में बहुत से दुखी लोग देखे हैं, बट जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मैं ये बात 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बंदा जेन्युइन दुखी है। अब वो कैसे? तो मैंने और तो और आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने आप को दुखी शो कराते हैं। लोगों को ये बताने के लिए कि वो दुखी है वो सैड स्टेटस लगाते हैं स्नैपचैट पे, दुखी गाने गा गा कर स्नैप्स भेज रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं और ऐसी बहुत सी हरकतें कर रहे होते हैं। बट ये बंदा ऐसे कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी इसे देखकर ये लगता है कि ये बंदा 7 जन्मों के दुख अपने सीने में दफन करके जी रहा है। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे, क्यों है ये बंदा इतना दुखी, क्या हुआ है इसके साथ? गौर से देखिए इस चेहरे को, गौर से। क्या इसकी कोई लॉलीपॉप लेकर भाग गया है? पैसों का मसला है? एग्जाम में फेल हो गया है? लड़की छोड़ के गई है? आइए इस सवाल का जवाब इससे खुद पूछते हैं। ये तो घर मेहमान आए हुए हैं, रोटियां लेने भेज दिया है, गेम भी नहीं खेलने दे रहे, तू आके मुझे तंग कर ले। तो अब एक सवाल है TJS सीरीज की तरफ से और ये कहते हैं, इस सवाल का जवाब दो। एक डैश लड़की बाजार से डैश लेने गई, वो एक और डैश लड़की से टकराई और उसकी सारी डैश गिर गई। इन सब में एक ही वर्ड आएगा, टेल मी।
एक चीनी लड़की बाजार से चीनी लेने गई, वो एक और चीनी लड़की से टकरा गई और उसकी सारी चीनी गिर गई। शायद आपको पता नहीं, मैं रिसेंटली द बैटमैन मूवी देख के आया हूँ, तो मेरा डिटेक्टिव मूड आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो नेक्स्ट डेयर है अली शेर की तरफ से और ये कहता है 50 पुशअप्स लगा इजी। तो फिर 1, 2, 3 और स्टार्ट। 1, 2, 3, 5, 6। ये जो आप लगा रहे हैं इसको पुशअप नहीं कहते भाई। तो नेक्स्ट डेयर है यूनिक गेमिंग की तरफ से और ये कहते हैं ब्रो काफ़ी अच्छा व्लॉग था आपका, डेयर है कच्चा अंडा मुंह से तोड़ो और पी लो, नो हेट ओनली फन, ओके बाकी लव यू ब्रो। आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। अम्मी अंडे पड़े हुए नहीं? अच्छा फिर भी एक दफ़ा चेक कर ही लें। अम्मी या तो अंडे पड़े हुए हैं। उन्होंने हाथ भी ना लाई। अच्छा तो भाई जान जिंदगी में पहली दफा कच्चा बादाम कच्चा अंडा खाने का मौका मिल रहा है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। Noise. तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी, और यार सवाल और डेयर्स दे दिया करो, बल्कि इस वीडियो के नीचे ही अपने सवाल और डेयर्स कमेंट कर दो, अगर नहीं करोगे तो ये सीरीज़ बंद हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं भीख मांग रहा हूँ। तो खैर अब आप सब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ एंड वल्ला अंता खली वल्ली।